Dear students of class 12 bio, today I am going to teach about the first lesson of biology of class 12, that is the reproduction in organism. Now first of all, we know the definition of reproduction. What is reproduction? Reproduction is the process by which organisms are able to produce their own kind. Reproduction matlab koi bhi jeev apne jaise dusre अपने ही जैसे दूसरा पैदा कर सकता है, उसको रिप्रोडक्शन कहेंगे। नाउ रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, रिप्रोडक्शन एरोबिक टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। PRODUCTION रिप्रोडक्शन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल। Now you know the definition of asexual. What is asexual reproduction? Asexual reproduction, there is no need of two types of gametes. What is gamete? Gamete is the sex cell. Gamete क्या है? Sex cell है जो जीव के अंदर में पाया जाता है। वो asexual reproduction हो, asexual reproduction होता है जिसमें दो प्रकार के gametes की जरूरत नहीं होती है। और you can say there is no need of two parent. In the sexual reproduction, there is needed of two types of gamete, known as male gamete as well as female gamete. And that type of reproduction is known as the sexual reproduction. Let us know the example of asexual reproduction. First one is fission. Fission means split, to grow in different. Fission are two types. One, two. Fission are two types. First fission is known as the binary fission. बाइनरी एंड मल्टीपल फिशन दो प्रकार की होती है। फिशन मतलब ना डिवाइड होना, एक्चुअली डिवाइड होना, स्प्लिट होना। तो फिशन दो प्रकार की होती है, बाइनरी एंड मल्टीपल। बाइनरी मतलब टू एंड मल्टीपल मतलब मेनी। यदि कोई भी जीव दो भाग में पड़ जाता है उसको बाइनरी फिशन कहेंगे। यदि फिशन मल्टीपल फिशन देखेंगे तो उसमें एक जीव से अनेक बन सकता है, उसको मल्टीपल फिशन कहेंगे। और सेकंड में आता है फिशन के बाद आता है बॉडी। बॉडी बॉडी मतलब कली, कली निकलना। जैसे एक मैं ईस्ट बना रहा हूं, ये सब ईस्ट है, इसमें से इस तरह से कली निकलता है, इसमें से इस तरह से कली निकलता है। ये कली अब क्या करता है, ये यहां से गिर जाता है। अब ये बढ़ने लगता है, फिर यहां से गिर जाता है। तो इस तरह से उसी से कली निकल के टूट के बन जाता है। तो ये ईस्ट के मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को, दिस इज नोन एज द बॉडी। नाउ थर्ड वन इज द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन एक ही जीव से इस तरह से पार्ट डिवाइड होना है, फ्रेगमेंटेशन। इसको क्या कहेंगे? फ्रेगमेंटेशन। नाउ फोर्थ वन इज द स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन मतलब जैसे आप लोग जो ब्रूम कुचा बोलते होंगे आप लोग अपने देहाती भाषा में, यानी कि लोकल लैंग्वेज में, जिसको ब्रूम कहेंगे या तो उसको कुचा कहेंगे। उसमें देखेंगे नए नए आएंगे, उसमें देखेंगे पाउडर जैसे मिलेगा, वो पाउडर है, वो स्पोर है। उसी से वो उसके कुचा के यानी कि ब्रूम के पौधा उग सकता है। दूसरा एग्जांपल, यदि हम पाइन के ट्री देखेंगे, पाइन के ट्री में कौन जैसे फल जैसे लगता है, वो हार्ड होता है, उसके अंदर भी देखेंगे पाउडर होता है। पाउडर जो स्किटी के रूप में हम लोग कैरम में प्रयोग करते हैं, वो पाउडर से ही वो उग जाता है, यानी नोन एज स्पोर फॉर्मेशन। उसी से उग जाता है, उसको कहेंगे स्पोर फॉर्मेशन। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से भी होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब जो पौधे के हम पार्ट्स खाते हैं, जैसे स्टीम हो गया, लीफ हो गया, रूट हो गया, इस तरह के पार्ट से यदि उगता है तो उसको कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में देखेंगे, सपोज रोज, एक रोज के मैंने इधर रोज के यानी कि गुलाब, गुलाब के हम लोग कटिंग करके उसको कटिंग से उसको लगा देंगे, स्टीम लगा देंगे, फिर उग जाएगा तो उसको कहेंगे स्टीम से। अब हम पोटेटो खाते हैं, ट्यूबर कहेंगे जिसको, अंडरग्राउंड स्टीम को, तो उस ट्यूबर की सहायता से भी हम उगा सकते हैं। तो उसी तरह अलग अलग जैसे
ब्रायोफिलियम जिसको हम पत्थर चट्टा कहेंगे हिंदी में, उसके पत्ते से भी हम उगा सकते हैं। जैसे पत्थर चट्टा को देखेंगे तो इस तरह से ये हो गया, ये मार्जिन से उगने लगता है। इसको जब हम मिट्टी में रखते हैं ये मार्जिन मार्जिन से पौधा उगने लगता है, तो इस तरह से हम ब्रायोफिलियम में इस पत्ता से भी हम उगा सकते हैं। सो दिस इज नॉट वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दिस इज नॉट अ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हम आर्टिफिशियल भी उसका कर सकते हैं, जैसे टिश्यू कल्चर हो गया, लेयरिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, एंड सो ऑन। वी विल लर्न इन द क्लासरूम। ओके, नाउ सेकंड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में देखेंगे, फ्लावर में देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, four different part in the hibiscus flower. Hibiscus flower, first one is the sepal, जो नीचे green color की होती है, इसको कहेंगे sepal, जो flower को करता protect करता है। जिसको और दूसरा होता है petals, जिसको कहेंगे petals, जो flower को colorful part है, sepals को कोरोला कहेंगे, पेटल्स को कैलिक्स भी कहेंगे, आप लोग पढ़ चुके हैं। नाउ दिस वन इज द सॉरी दिस वन इज द स्टेमेन मेल पार्ट एंड दिस इज द फीमेल पार्ट नोन एज द कार्पेल और पिस्टिल। यू आर लर्निंग दिस इन द सेकंड वे, जिम्नोसियम एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इज दिस एंड जिम्नोस्पर्म इज दिस एंड एंजियोस्पर्म इज दिस। नाउ I will going to rub the petals and sepals. Now there are two parts, where the male part and female part. This is the male part and this is the female part. If we see male part, this is known as the stamen. Stamen has two parts, known as the filament and anther. Filament is the stick and anther is the cup-like object. Where we find the yellow dust known as the pollen grain. यहाँ पर जो पीले कलर के होता है उसको कहेंगे pollen grain. और यदि हम फीमेल पार्ट में देखेंगे तो तीन भाग होता है, दिस इज द स्टिग्मा, ये दिस इज स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी। इफ यू सी इनसाइड द स्टिग्मा लॉन्ग ट्यूब नल जैसे पदार्थ मिलेगा जिसको कहेंगे पोलन ट्यूब, और नीचे यदि ओवरी में देखेंगे तो गोल गोल आपको मिलेगा जिसको कहेंगे ओव्यूल, जिसको कहेंगे ओव्यूल। इस तरह से मिलेगा आपको ओव्यूल। जब भी ये पोलन में यहां को यहां से यहां ट्रांसफर हो जाता है इसको कहेंगे पोलिनेशन। इसको क्या कहेंगे बेटा? पोलिनेशन। अब ये पोलन जो है मेल गैमेट है और ये ओव्यूल जो है फीमेल गैमेट है। अब ये देखेंगे पोलिनेशन या सीएन ज्यादा है, पोलिनेशन कहेंगे उसको। ये या तो हवा के साथ ऐसे, या तो पानी के साथ ऐसे, या तो अदर मीन से जैसे एनिमल से साथ ऐसे हो जाता है, या सीएन बैठ जाता है तो ये नीचे ये ट्यूब से होते हुए नीचे चला जाता है। जब नीचे चला जाएगा तो ये मोबिल के साथ, अब ये मोबिल हो गया, ये पोलन एक आपस में मिल जाएंगे तो इसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन। जब भी ये एक आपस में मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद मोबिल बनता है सीड, यानी कि बीज बनता है, और बाहर की ओवरी जो है फ्रूट बनता है, यानी कि फल बनता है। सो इसीलिए कोई भी पौधा यदि हम सीड के सहायता से उगाते हैं, यानी कि बीज बोकर उगाते हैं, तो उस पौधे को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अदरवाइज यदि हम स्टिक से उगा रहे हो या तो लीफ से उगा रहे हो उसको कहेंगे एसेक्सुअल। एंड यदि प्लांट में देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस प्रकार से होते हैं। मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के गैमेट की जरूरत होती है, वन इज द पोलन ग्रेन ऑफ मेल गैमेट एंड ओविल इज द फीमेल गैमेट। दिस वे द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द प्लांट। नेक्स्ट क्लास आई विल बी टीच अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, मेनली इन द ह्यूमन बींग्स। थैंक यू।